और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। POK बनेगा हिंदुस्तान। इंडियन आर्मी का नाम सुनके इन पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की आर्मी वालों की पतलून गीली हो जाती है। तो ये कहा जाए कि जी बिल्कुल हम हैंड अप हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे और बस आपके ऊपर हमला होना ही होना है। कि क्या हमने इस तोहफे की कदर की? क्या ये बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे उस अजीम रहनुमा ने देखा? अरे नहीं, इसका जवाब अगर मुझसे पूछे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पाकिस्तान को बचाना है और आपको अपने पर्सनल एजेंडे आगे नहीं बढ़ाने हैं तो मैं दोनों तरफ को कहूंगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। कि पाकिस्तान की खातिर मिलके बैठ के कोई दरमियानी रास्ता तलाश करें। निकल पहली फुर्सत में, वो निकल, समझा? ऊपर से नॉर्दर्न कमांडर ने ये और बोल दिया, हम तो POK लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, साथ में गिलगित और बाल्टिस्तान भी, हमें तो बस ऊपर से आदेश आ जाएगा, उसी दिन पाकिस्तान का क्रियाक्रम कर देंगे। राम राम सत्य है, सबका यही गत है। राम राम सत्य है, सबका यही गत है। जैसे ही खबर पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तान में तहलका मच गया भाई साहब, पाकिस्तानियों की क्या कहां पे टांग गई। इसी टॉपिक पे हमारे मेजर गोरा वालिया ने दो शब्द कहे हैं, वो भी सुनिए। ठीक है ना, और वो भी आर्मी कमांडर नदन कमांड, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो नदन आर्मी कमांडर ने सिर्फ ये बोला कि हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है और जब सरकार हुकुम देगी तो। देखिए कोई भी डिसिप्लिन सोल्जर यही बोलेगा, और बात है भी, तैयारी भी है इंडियन आर्मी की पूरी। कल से एक सवाल जो है वो तंग कर रहा है, मतलब पूरा दिन जो है वो मीडिया इसके ऊपर बात करता रहा कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। तो ये मामला बहुत संगीन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, POK कश्मीर, इसको लेकर 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दीवार खींची हुई है और वो दीवार आज तक नहीं टूटी है। तो आप समझ सकते हैं ये मामला कितना सेंसिटिव है। मैं जानता हूँ, खुदा ना खास्ता शादिया, खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप हो गया, अगर कोई इस तरह की वारदात हो गई, तो आपको पता है उसके नतीजे क्या होंगे? उसके नतीजे, पहला नतीजा क्या होगा? इंडिया हमारा अजली दुश्मन है। तुझे क्या लगता है? कुछ नहीं किया आमदी तौर पे, काम वो तो जब करके दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इनके पास तो पावर ही नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा, में इनसे बात क्या करें? मसला ये है, तो फिर बात हल कैसे होगी? शादिया ये जबानी जमा खर्च हमेशा से चलता है। इंडिया कहता है कि हमने फौज से बात नहीं करनी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो इसी मुद्दे में पाकिस्तान के पत्रकार निकले पाकिस्तानी आवाम के बीच में ये जानने के लिए कि अगर भारत ने हमला कर दिया और वो POK ले जाएगा तो हम क्या करेंगे। रिसेंटली इंडिया के जो कमांडर हैं, आर्मी कमांडर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि हम कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। इस पर आप क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? सर ये इंडिया कि ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है। पाकिस्तान की पब्लिक के पास में दो ही चीजें होती है, एक तो जज्बा होता है, एक ईमान होता है। अगर पाकिस्तान से ये दो शब्द निकाल दो ना तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा, बह जाएगा पाकिस्तान, बह जाएगा, एक जज्बा और एक ईमान, तो चलते पाकिस्तान। और हमारी पाक फौज जो है हमें उस पर भी फख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें हैं, होपली धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है, तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। तो भैया भारत ने तो धमकी दी नहीं है, भारत जिस दिन लेने पे आएगा ना तो उस दिन ले लेगा, ये तो हमारे आर्मी कमांडर ने बोला। तो तुम्हारा कुछ जज्बे ईमानी याद आ गए और कुछ कर नहीं सकते? तो भैया थोड़े दिन पहले ही कश्मीर से 370 भी हटाई है, आर्टिकल 35A भी हटा दिया, और तुम पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी सब बैठ के ताली बजा रहे थे, ताली। कुछ नहीं कर पाए इंडिया का, कुछ भी नहीं कर पाए, क्या कर लोगे तुम भूखे नंगो।
इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की ज़रूरत है, क्या समझते हैं आप इस? सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूँगा कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। औकात में रहो। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर, मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुवतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हड्डल आ जाती हैं। अदरवाइज ईमानी जज्बे में बाकी पाक आर्मी के या बाकी किसी में उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी में जज्बे होता तो भैया चार चार जंगें लड़ी है तुमने, चारों में मुँह की खाई है, और तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी के बाद में जंगें लड़ने का हौसला है नहीं। जज्बा को तो छोड़ दो, गोली मार दो जज्बे को, तो उनको माल बनाने से फुर्सत नहीं है भाई। तुम्हारा आर्मी चीफ 6 साल पहले भूखा नंगा था और रिटायरमेंट पे देखो अरबपति बन गया। भैया माल बना रही है तुम्हारी आर्मी, उनको उनको क्या जरूरत पड़ी है जंगें लड़ने की? जंगें लड़ेंगे तो फिर इनकी कोठियों को कौन संभालेगा, इनके बिजनेस को कौन संभालेगा? तुम्हारी आर्मी खालिस नल्ला आर्मी है भाई, नल्ला आर्मी। आए दिन तो तालिबान वाले आके ठोक जाते हैं तुम्हारे को और तुम्हारी आर्मी ताली बजाती है बैठ के, कुछ कर नहीं पाते हो। ये इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो कुवते हैं, वो हमें दबाती हैं। इंटरनेशनल जो पावर्स हैं क्यों हमारा साथ नहीं देती हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम राइट पे हैं, ऐसे ही है हमारा तो स्टांस यही है कि हम राइट पे हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, कभी हम किसी कंट्री को कहते हैं। दूसरी साइड पे हम हमारा स्टांस ये इंडिया राइट पे नहीं है, फिर भी इंडिया की क्यों साथ दिया जाता है आपके ख्याल? ये जो बायस है ना मुस्लिम्स के बारे में वो है, ये मेरे पास इसके अंदर पूरा डाटा है, कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है जहाँ सबसे बड़े जो हैं उधर नारकोटिक्स के गैंग वो हैं, मर्डर में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुल्क हैं वो सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं। हर तरह के आप देख लें, जो जितनी बुराइयों के प्रोस्टिट्यूशन का देख लें और मामला देख लें, टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। हाँ, लेकिन देखें इस्लामोफोबिया की भी बात की जाती है, दहशत की भी बात की जाती है कि इस्लाम या मुसलमान वो मुसलमान है। ये मेरे पास इसके अंदर डाटा है, वो आप कहें तो मैं आपको अभी जो इसमें दिखा सकता हूँ। ये कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा है या फिर मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो दिखाता हूँ, ये देखें आप। तो ये मेरे भाई ने फेसबुक खोली है और फेसबुक का ऑथेंटिक डाटा देखिया, और जिसमें तो ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे वकील है भाई साहब। फेसबुक पे किसी ने पोस्ट डाल दी और फेसबुक का डाटा ऑथेंटिक डाटा हो गया। बारे पाकिस्तानियों क्या ही कहना भैया, क्या ही कहना आपका। ये आ गया मेरे पास इसके अंदर, ये देखें 10 जो है ना वो ये 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट प्रोस्टिट्यूशन रेट जो है इन द वर्ल्ड। ये पत्रकार साहब भी कैमरे में दिखा रहे हैं कि देख लीजिए भाई साहब ये ऑथेंटिक डाटा है। भाई साहब ये ऑथेंटिक डाटा मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी अगर 10 कंट्रियों के नाम लिख दूंगा, फेसबुक पे पोस्ट डाल दूंगा, फिर आपको कैमरे में दिखा दूंगा कि ये देखो ये देखो, तो ये ऑथेंटिक डाटा है। कुछ भी मतलब कुछ भी, ये लोग किसको पागल बना रहे होते हैं मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है, खुद पागल है या पागल बनाने की कोशिश करते हैं, किसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों का। ये जो उनका सोर्स है आप थोड़े से ये पढ़ के दिखाएं और सोर्स भी बताइएगा कि सोर्स में आप इंफॉर्मेशन का ये देखें शेयर किया हुआ, ये तुर्क की खातून है, मुस्लिम खातून है जो मेरे साथ ऐड है, उनका बेटा मेरा जो फ्रेंड है। हाँ, मेरे साथ ऐड है भैया, तुर्क की खातून है, तो तुर्क की खातून ने शेयर कर दिया तो सही हो गया भैया। अच्छा। वीडियो आपने पूरा देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी इन पाकिस्तानियों पर राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।